नमस्कार दोस्तों, जय हो भगवान कल्कि की। आज छोटे से प्रसंग सुनाता हूँ आपको जो सच्ची के हुए मेरे साथ। एक बार मैं एक दुकान पे सामान खरीदने गया तो उन्होंने सामान्य व्यवहार करते हुए कहा, आइए बैठिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुकान पे भीड़ थी, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। तो माने ही नहीं, कह लेंगे नहीं नहीं बैठिए, ग्राहक तो भगवान समान होता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने तुरंत उनसे ये कह दिया, मैंने कहा प्रभु जो भगवान को पहचान ले वो दुकानदार भी तो भगवान के जैसे ही होता है। वह इतना ही कहना था, वो दुकान से उठ के काउंटर से अपने, और उन्होंने मेरे से आके ये कहा, आपके गुरु कौन है, मुझे उनसे मिलना है। अब एक छोटी सी बात है भाई, अगर ग्राहक भगवान स्वरूप होते, भगवान के जैसे होते, जो दुकानदार पहचान रहा है, भगवान को पहचानने वाला कौन होगा, तो भगवान के स्वरूप उनके जैसे ही तो होगा। बात तो बिल्कुल ये एकदम अलग जैसी कह दी थी मैंने, और वो उनको इतनी याद रही कि वो काउंटर से खड़े होकर बाहर आए और बहुत तब से प्रभावित हुए। अच्छा, मुझे भी ये बात सच में लगती है कि ग्राहक अगर भगवान है, जो आदमी दे रहा है सामान आपको, उसकी दुकान पर हम सब जा रहे हैं ग्राहक बन के, तो वो तो और भी बड़ा है, वो सेवा दे रहा है हम ले रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी सच्ची घटनाएं हैं। फिर दो तीन भजन की एक लाइन हो जाए, उसके बाद एक ने पूछा था कि ये जीवन चक्र है क्या, भगवान क्यों नहीं दिखते हैं, तो उस पर थोड़ा सा सच्ची की कुछ बातें जो मेरा जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार है, वो बताना चाहूँगा आपको। तो दो तीन स्तुति हो जाए, दो तीन लाइन है। तिजोरियां बहुत भर ली दौलत की, तिजोरियां बहुत भर ली दौलत की, धन दौलत की, फिर भी सुकून नहीं आया। कहाँ आया वो धन दौलत जो तिजोरी में भरी, यहीं रह जाएगी, कोई नहीं साथ ले जा पाया। तो फिर क्या करे, भर लो मन की तिजोरी, भर लो मन की तिजोरी, कल की नाम की लूट है रे, भर लो मन की तिजोरी, कल की नाम की लूट है, सच यही धन दौलत है रे, सच यही धन दौलत है, बाकी सब तो झूठ है रे, भर लो मन की तिजोरी, कल की नाम की लूट है, कल के नाम की लूट मची फिरी है, उसे भर लो अपने मन। इतना आसान है प्रभु, जिस तिजोरी को भरना चाहिए उसे भरते नहीं, और जिसे नहीं भरना चाहिए उसे भरते नहीं। ये नहीं कह रहे कि पर्याप्त जो धन चाहिए उतना तो सबको चाहिए, मगर इतना नहीं कि बिल्कुल उसके पीछे लग जाए। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, जैसे सामान्य रूप से बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति आएगा बात करेगा, हाँ जी परेशानी में, तो खड़ा खड़ा रहेगा वो बेचैन, तो उसे कहेंगे नहीं जो खड़े खड़े नहीं, तसल्ली से बैठ के बताओ। वैसे ही है विचारों की बात, आप आपकी बातों से ऐसा ना लगे आप खड़े खड़े हो, आपके विचारों से भागम भाग, पता नहीं आपके अंदर स्थायित्व ना हो, ऐसा ना लगे, सामने वाला समझ जाता है। अपनी बात आराम से करिए, बैठ के बताइए, तसल्ली से बताइए, आपको सुकून देगा सामने वाला। वैसे विचार हो गए, आपके विचारों में तेजी तो नहीं है, ठहराओ साथ बताइए। तो ऐसे ही एक ने पूछ लिया कि ये जीवन चक्र, इसके बारे में आपके क्या विचार है। तो मैंने जो मेरे विचार इसमें वो कुछ इस तरह से हैं।